जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का शिकार हुए इस गांव में बरसात के दौरान कई बरसों से समस्या ऐसी है कि ग्रामीण अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है ऐसी समस्या 20 वर्षों से है। इसी समस्या पे जनप्रतिनिधि चुनाव में वोट की राजनीति करते हैं, इसीलिए गांव अभी भी विकास से कोसों दूर है। भले ही प्रदेश सरकार आम जन की सुविधाओं को लेकर चिंतित है, लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद में सुविधाओं के प्रति उपेक्षा की मुंह बोलती तस्वीर सामने आई है। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। आजादी के वर्षों बाद भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विकास खंड बड़पुर के ग्राम पंचायत बड़पुर नंबर 7 का टोला परसपुर आज भी उपेक्षा का शिकार है। गांव से सटे गड्ढे में बरसात का जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था न होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे सड़क टूट गई है और गांव से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या 20 वर्षों से है। गांव से निकलने के लिए जूते चप्पल पांव में नहीं हाथ में लेकर निकलना पड़ता है। कई बार शिकायत के बाद भी निराकरण कराए जाने को लेकर जिम्मेदार गंभीर नहीं है। गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली चारों तरफ की सड़कें कीचड़ से सनी है। वहीं दूसरी ओर टूटी सड़क पर बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार इस समस्या पर जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अफसर द्वारा समस्या का जल्द निराकरण का आश्वासन देकर शांत करा दिया जाता है, लेकिन हर बार बारिश के मौसम में जीना दुभर हो जाता है। आपके गांव में समस्या क्या है? हमारे गांव में समस्या है कि पानी का निकास नहीं है, निकास है सब पाते हैं और सुनो ये नहीं झरते हैं, गाढ़ भरे पानी में किया हो जाग पड़ते हैं उनके 4 महीना के बाहर भी तरफ आ रही है। तो कौन अधिकारी सुनाई कहे? अरे पूरे बड़ेपुर नंबर से पूरे अधिकारी जाओ है जाना था क्या होना कर पूरे केस हो जाइए कभी नहीं देख देख गए देखिए जवान है कहाँ घर आना ही पावत है प्रधान भी जाना था। अरे मतलब वही 15-20 साल से समस्या ही। हाँ तो पानी कैसे बात है, गढ़ा वाला पानी कैसे जाता है? कैसे जाता है तो खेत में एक नंबर में की जाता है बिना राही के, राही जो है बिना राही पाता है। अच्छा हाँ टूटे वाला बता रहे नंबर में की जात है पानी भरा है हर बारिश में। हर बारिश में हाँ 4 महीना लेकिन बाहर भी तरफ आ रहा है। तो आप लोग कहाँ चाहा जाते हैं? अब कहा बना चाहिए और कहा चाहिए? हाँ आवाज दिया के जरूरत है बस खत्म कहानी। अच्छा नाला बना है कि नहीं बना है? नाला बना है आगे से पीछे बना है, आगे बंद है। बंद है हाँ। तो अगर साफ सफाई जरूरी है? अब मैंने साफ सफाई ना जरूरी है कैसे के पानी है कैसे भाई पानी। अच्छा ठीक है। विकाल गाँव परसपुर का समस्या है आपके गाँव में? क्या समस्या है? वो हम पानी भरा है एकदम फुल। प्रधान लोग कहा था आपके चुनाव जिता दे फिर हम नाला सफावा दे, नाला पूरा जाम है एकदम। आज देखा तो पानी पूरा खरियान है, इतना पानी हल्के आई था ये जा था ते बिना चप्पल जूते जा ही नहीं पाओ था सब निखारे पड़ा था। कितना समस्या है आप लोगों का? कई साल से है? अरे 15 साल से है। पहले पानी कहाँ जाता रहा? पहले पानी नहर में जाता रहा ये, अब नाला जाम है तो नहर में जा ही नहीं पाता, पूरा जाम लागे कर ये खाली कचरा भरा है सब। क्या चाहते हो आप लोग? हमारे चाहे थे नाला साफ हो जाओ का तो समस्या दूर हो जाए एकदम। राम ग्राम गाँव परसपुर। क्या समस्या है आपके गांव में? अब सर समस्या यही है कि आज 20 साल के पहले से जो है खरंजा लगा रहा, अब वो सब टूट टाट के ध्वस्त हो गया है। बरखा जब आवत है तो जो है पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, आए जाए में बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा घिरा ले जाए पड़ता है, लड़कन के भी परेशानी बाहर भीतर के हो जाता है। हला ओकरे लिए गढ़ा रहा लेकिन निकास है, लेकिन आगे चल के जो है वो पट गया है, उसको जरवाने के लिए कोई नहीं सुन रहा है। और बार बार जब प्रधान जो है आवत हैं तो कहते हैं ठीक है बन जाएगा वो भी नहीं बन पा रहा है। और जब वोटिंग समय आवत है तो प्रधान कहते हैं कि अब की हमें जिताओ हम बना देंगे हम बना देंगे, ऐसे ऐसे कई प्रधान भुक्त भये लेकिन कोनो प्रधान नहीं सुनत है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि लोग इसी पर राजनीति करते हो कि विकास ना करवाते? हाँ तो तभी तो है ये है, अभी जब विकास ना ही हो पावत है तो कहो का करा जाए, अब कही भरे तो अख्तियार रहा था सबसे। अच्छा, सब अधिकारी लोगन से कहा जाता लेकिन कहा था ठीक है हो जाएगा लेकिन नहीं हो पावत है। तो अधिकारी कभी गांव में आया है देखने?
हाँ देखने तो आए थे बहुत लोग, लेकिन जो है कहीं के चला जाते हैं। कितने साल से समस्या? अरे ये है 10-15 साल के। नहीं, ग्राम पंचायत ये आपका बड़पुर साथ पड़ेगा, तो उसको मैं दिखवा रहा हूँ एडीओ पंचायत को, जांच के लिए मैं भेजा भी हूँ उसको, रहता है जांच आके आने के बाद क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें हैं वो देखी जाएंगी, बाकी उसका काम कराया जाएगा। जो भी आपकी समस्या है, नाली का है या खड़ंजा इंटरलॉकिंग, जो भी आपके वहाँ गाँव वालों को दिक्कत है, वो सारे काम कराए जाएंगे।